उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपी एसडीएम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 16 शहरों में 10,000 लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है और जिसमें मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा करना सिखाया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान उन्हें तकनीक के साथ साथ कौशल भी सिखाया जा रहा है। कार्यक्रम दुनिया की बेहतरीन युद्ध प्राणियों की सर्वश्रेष्ठ आत्मरक्षा और तकनीक पर ये आधारित है। सेल्फ डिफेंस जो है हमें बहुत कुछ सिखाया गया, इससे हम अपने मतलब प्रोटेक्ट रह सकते हैं। चाहे छेड़छाड़ आजकल भाई बाहर भी होती है, घर पे भी होती है, अगर घर पे भी होती है बाहर तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उससे हमें किट भी मिली, उसमें हमें ये स्प्रे स्प्रे है तो मतलब उससे हम अपने प्रोटेक्ट, और इससे हम लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। मैं चाहती हूँ सर हर लड़कियों की ये ट्रेनिंग दें और सब अपनी सेफ्टी खुद से करें। मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी के तहत, और ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। लोगों को लगता है कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ताकत है उनके अंदर, उस ताकत को सब निकालने की जरूरत है। और इसलिए हमने स्किल डिज़ाइन किया, बहुत सालों की मेहनत के बाद किया। और सबसे अच्छी बात है, एक भारतीय स्किल है ये, जूडो कराटे ताइक्वांडो नहीं है, ये एक भारतीय भारत में डेवलप किया गया हाइब्रिड स्किल है जो बहुत सारे फाइटिंग सिस्टम्स को मिला के बनाया गया है। सीखने में बहुत आसान है, कोई भी सीख सकता है, और स्पेशली महिलाएँ जिनको कमज़ोर समझा जाता है, अगर वो कुछ दिनों में सीख लें तो अपनी जान बचा सकती हैं और इतनी पावरफुल हो सकती हैं, इतनी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि किसी को भी मज़ा चखा सकती हैं, और शायद हम इस तरह से अपने देश में क्राइम बंद कर पाएंगे।